कोई पद को लेकर के ना दिल में कोई इच्छा है पर ना ही मैं चाह रहा भाई किसी जैसे पद प्रतिष्ठा के लिए, मैं खाली समाज सेवा के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एक्चुअल उनका हक मिल नहीं पाने क्षेत्र से इन गांव की जो समस्याएं हैं मूलभूत जो समस्याएं हैं रास्ते की होगी, सिंचाई की, पानी की होगी, पानी की निकासी की होगी। कोई गांव ऐसा नहीं है आप सुबह जैसे नहा धो के घर से निकले तो ठीक उस प्रकार से आप घर वाले जाओ, ऐसा कोई कैंडिडेट में ये नहीं कहता कि आप मुझे बनाओ, बहुत से कैंडिडेट हैं, लेकिन ये विशेष रूप से हर वोटर को सोचना होगा कि किस कैंडिडेट को बनाएं जो हफ्ता में कम से कम 3 दिन तो हमारे साथ हो। इलेक्शन तो उस समय मैं भी राधेश्याम के अपोजिशन में इलेक्शन लड़ रहा था, आपकी जानकारी के लिए मैं शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन एक गांव की परिस्थितियां होती हैं और फिर हमने चौधरी राधेश्याम का समर्थन करके उसे सरपंच बनाया था। मेरी मात्र 21 साल उम्र थी उस इलेक्शन के दौरान। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए जी बहुत सी संस्थाएँ, प्राइवेट संस्थाएँ, नामी ग्रामीण संस्थाएँ चल रही हैं और सारे समाज सेवा का ढकोसला पीट है। दानंद सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि बात करते हैं कि आप अभी पार्षद के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 9 जिला महेंद्रगढ़ से जी, तो क्या आपके दिल में विचार आया, क्या मन में आया कि भाई मेरे को यहाँ पे पार्षद के चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए जी पवन जी, विचार तो मेरा ना तो कोई पद को लेकर के ना दिल में कोई इच्छा है पर ना ही मैं चाह रहा भाई किसी जैसे पद प्रतिष्ठा के लिए, मैं खाली समाज सेवा के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा, समाज सेवा पहले भी करता है आ रहे हम और अब भी आगे भी समाज सेवा करते रहेंगे जी। मैंने किससे तो समाज सेवा का ही है और इसकी आवश्यकता ऐसे महसूस हो गई, जो काम हमें अब सिंपल तरीके से जो करवा नहीं पाते, कई बार कई अड़चने आ जाती हैं उस काम में, तो अगर एरिया भाईचारा सब साथ हो और ये चाहे भाई हाँ ये लड़का ठीक है, काम ठीक कर रहा है, तो कुछ हमारे एरिया की दिक्कत है वो बातें हम जो अब नहीं कर सकते, तो जैसे पार्षद हो एक जिला कार्यकारिणी का सदस्य होता है और जिला कार्यकारिणी का सदस्य के नाते जिला की जो मीटिंगें होंगी या जिला के अंदर जो काम होंगे तो उसमें जिला कार्यकारिणी का एक अहम रोल होता है, तो वहाँ जिला की कार्यकारिणी में अपने एरिया की आवाज़ को उठा के वहाँ भाई हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं, हमारे समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एक्चुअली उनका हक मिल नहीं पाता है। आपको क्या कमी महसूस हुई इस क्षेत्र में पिछले जो पार्षद के कार्यकाल के दौरान? पिछला पार्षद का कार्यकाल देखो जहाँ तक मेरी ज़्यादा उम्र नहीं हुई, 37 साल मेरी उम्र हुई है, लेकिन मेरी जहाँ तक मुझे याद है तकरीबन 80 कैंडिडेट अपने यहाँ वार्ड से बनता है जी जी, और वो कैंडिडेट चलो भाई सरकार की पॉलिसी है किसको कैंडिडेट दे रही है, SC दे, जनरल दे, बाकी आज तक तकरीबन 20 गांव में मैं जाता हूँ, किसी गांव में किसी भी पार्षद ने जीतने के बाद आके ये नहीं देखा भाई कौन सा गांव कहां पर है, क्या हालात है, किस प्रकार से है। मेन उद्देश्य मेरा यही है और मैं इन गांवों से हर रोज़ गुजरता हूँ जी, तकरीबन 10 गांव रोज़ कवर करता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र से इन गांव की जो समस्याएं हैं मूलभूत जो समस्याएं हैं रास्ते की होगी, सिंचाई की, पानी की होगी, पानी की निकासी की होगी जी। कोई गांव ऐसा नहीं है आप सुबह जैसे नहा धो के घर से निकले तो ठीक उस प्रकार से आप घर वापिस आओगे जी। जैसे कि आपने मुद्दे बताए पानी की हो गए, रास्ते की बात हो, और क्या मुद्दे आपको कमी महसूस हो रही है वार्ड नंबर 9 के क्षेत्र में, इन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ने वाले हैं? वार्ड नंबर 9 में एक विशेष मुद्दा तो ये रहा है भाई, हमारे मुद्दे सारे जिला कार्यकारिणी के अंदर ही सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ तो प्रयास मैं अभी कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रयास सफल हो नहीं रहे क्योंकि उन पर हमारा कोई आदमी नहीं है और जिला के अंदर जो हमारे निर्वाचित अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे कभी ना तो मुलाकात हो पाती ना कभी वो उधर आके हमारी समस्याएँ सुनते हैं जी। तो इसलिए मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि भैया हम अगर प्रयास करें और अपने एरिया जो हमारे बीच रहता हो, हमेशा भाईचारा में रहता हो, ऐसा कोई कैंडिडेट, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे बनाओ, बहुत से कैंडिडेट हैं, लेकिन ये विशेष रूप से हर वोटर को सोचना होगा कि किस कैंडिडेट को बनाएं जी जो
हफ्ता में कम से कम 3 दिन तो हमारे साथ हो, तो मैं तो हफ्ता में 5 दिन यही रहता हूँ जी, इन्हीं गाँव में रहता हूँ। मैं उद्देश्य मेरा यही है भाई, किसी भी कैंडिडेट को चुनने से पहले हर वोटर हर ये सोच ले कि हम जिसको वोट दे रहे हैं क्या हम उसको बनाने के बाद उनसे कभी मिलना संभव होगा जी, या वो हमारे एरिए की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको जिला कार्यकारिणी में उठाएगा। तो आप एक देखो, आप उस गांव से संबंध रखते हैं जिस गांव की प्रसिद्धि पूरे विश्व में डंका बजा चुकी है। हाँ बिल्कुल, एक नंबर गोमला गांव, गोमला गांव मानते हो, तो वो जिस तर्ज के ऊपर गोमला गांव का विकास हुआ था एक समय पे, जहाँ पे भूतपूर्व सरपंच राधे श्याम जी जो हुआ करते थे और उनकी तर्ज के ऊपर जो गोमला गांव का विकास हुआ था, क्या वो तर्ज दोबारा से पूरे वार्ड नंबर 9 में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, सपना मेरा यही है जी। अब उस समय में तो इलेक्शन, तो उस समय मैं भी राधे श्याम की अपोजिशन में इलेक्शन लड़ रहा था, आपकी जानकारी के लिए, मैं शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन एक गांव की परिस्थितियाँ होती हैं जी। और फिर हमने चौधरी राधे श्याम का समर्थन करके उसे सरपंच बनाया था। मेरी मात्र 21 साल उम्र थी उस इलेक्शन के दौरान, तो मैंने वो अपना इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया, चौधरी राधे श्याम को हमने सरपंच बनाया था। और उन्होंने जो जिस प्रकार से गांव का नाम किया, काम किया, बहुत ही मेरे ख्याल से तो असंभव है, कोई सरपंच नहीं कर पाएगा। हाँ, उसी तर्ज के ऊपर वार्ड नंबर 9 को चमकाने की कोशिश करेंगे। और सपना मेरा यही है कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वार्ड नंबर 9 जैसे पूरे विश्व में, पूरे भारत में गोमला नंबर 1 रहा है, ऐसे वार्ड नंबर 9 रहेगा, यही दिल में इच्छा है। अच्छा, जैसे की बात करते हैं कि बहुत हमारे यहाँ पे ना शिक्षा क्षेत्र तो खैर आगे बढ़ ही रहा है, वैसे दक्षिण हरियाणा शिक्षा क्षेत्र में नंबर 1 है। दूसरी बात करते हैं कि शिक्षा के जगत के अंदर, दूसरे खिलाड़ियों के जगत के अंदर, और इनके लिए किस तरह की विचार गोष्ठी आपने बनाई है? देखिए जी, चुनाव जीतने के बाद, हाँ, चुनाव जीतने के बाद भी, और अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो भी मेरा एक सपना है, अगर हम चुनाव नहीं भी जीत पाए तो कोई तो चुनाव जीतेगा, एक आदमी को तो बढ़ना है, तो हम जीते तो सभी काम जो हमने सोच रखे हैं वो होने होने हैं। अगर नहीं भी जीत पाए तो कोई भी साथी बनता है, सबसे पहले यही होगा कि कम से कम हर गांव में खेल स्टेडियम छोटा मोटा कुछ भी हो, अगर हर गांव में संभव नहीं हो तो कम से कम हर 3 गांव के सर्कल में एक ऐसा स्टेडियम हो, खेल पार्क हो, जहां बच्चे अपने एक्टिविटी कर सकें। और अगर वहां कोच की सुविधा नहीं भी हो पाती है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत से युवा हैं, आर्मी से रिटायरमेंट है, PTI DP वगैरह स्कूलों के हैं, हम किसी से भी रिक्वेस्ट करें, सर आपको 2 घंटा वहाँ बच्चों को देना पड़ेगा। और समाज सेवा के लिए कोई भी जो सम्मानित और समाज के प्रति भावना रखने वाला व्यक्ति है ना, मना नहीं कर सकता जी। तो इस प्रकार की हर कम से कम 3 गांव में कोशिश करके, कोशिश तो रहेगी पर गांव की, लेकिन फिर भी सर्कल के हिसाब से हर 3 गांव में भी एक खेल का छोटा सा परिसर बनाया जाए, वहाँ पर एक छोटे जैसा भी हो एक कोच की व्यवस्था की जाए जी। तो यहाँ हमारे बहुत से हीरे दबे हुए हैं, उनको तराशने की जरूरत है। शिक्षा क्षेत्र में किस तरह का कदम उठेगा जी, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए जी, बहुत सी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं, नामी ग्रामी संस्थाएं चल रही हैं, और सारे समाज सेवा का ढकोसला पीट रहे हैं जी। और समाज सेवा का इनका सही आकलन उस समय होता है, मैं प्रत्यक्ष और भुगत भोगी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे एरिया में सभी बच्चे स्कूल सरकारी स्कूलों में तो पढ़ते नहीं, देखा देखी के गोड़ लग रही है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजे और प्राइवेट वाले मनमर्जी फीस वसूल कर रहे हैं, और सारे समाज सेवा का ढकोसला पीट रहे हैं, सारे कभी टिकट के लिए लाइन में लग जाते हैं, और राजनीति करने पैसा कमाना है जी। मैं देख रहा हूँ, अगर सरकारी अपनी पॉलिसी है कि 134A आपको जानकारी होगी बिल्कुल, और 134 का टेस्ट होता है, टेस्ट में क्लियर होने के बाद वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में अपने नियर अबाउ जो बढ़िया संस्थाएं चल रही हैं उनमें फ्री पढ़ता है, ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी। अच्छा, जब 134 के बच्चे इन स्कूलों में एडमिशन के लिए जाते हैं तो सही मायने में इनकी कितनी देश सेवा और ये कितने समाज सेवी हैं, उस समय इनकी पोल खुल जाती है जी। ये उन 134 के होनहार बच्चों को अपने स्कूल में एंट्री तक नहीं करने देते, और कह सुन के किसी दबाव में किन पैसे दे ले देते, एंट्री करा भी दी तो उन बच्चों को रोज़ परेशान करते हैं जी, कभी स्कूल से बाहर निकाल देना, कभी ये पैसे लाओ, कभी वो पैसे लाओ। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका रहेगी कि जो भी इस प्रकार के हमारे होनहार बच्चे हैं उनके साथ कोई भेदभाव किसी प्रकार का प्रवेश ना हो। एक समस्या आती है बहुत सारी, और आप भी देखते होंगे कि हमारे
इस क्षेत्र के लोग शाम के टाइम कनीना खड़े रहते हैं या अटेली खड़े रहते हैं, व्हीकल्स की सुविधा नहीं है आने जाने। हाँ, आने जाने की बिल्कुल नहीं है। शाम के 6 बजने के बाद तो कनीना से घर वापिस आना बड़ी मुश्किल काम है। अटेली से भी परेशानी, अटेली से भी परेशानी होती है, बिल्कुल महेंद्रगढ़ से भी परेशानी होती है। तो क्या समाधान रहेगा? भाई इसका भी समाधान यही रहेगा कि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारे इस एरिया को कम से कम चारों तरफ से एक एक व्हीकल मुहैया कराया जाए सरकार की तरफ से। जी जी। तो सदानंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके जो विचारों को लेकर के आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत एक अच्छे आपकी सोच है, आपके विचार हैं। पहले से ही आप दो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिनमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं का नामी ग्रामी नाम भी है। तो ये बहुत ही अच्छा आपका कदम है कि आप समाज के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, न कि अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बताने के लिए। धन्यवाद। एक सर संदेश क्या देना चाहेंगे अपने जो क्षेत्र के लोगों को, समाज के लोगों को? समाज और क्षेत्र के लोगों से कौन जी, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, आप जिस दिन मताधिकार का प्रयोग करने जाएं, अपने अंतःकरण से बस ये सोच लें कौन आदमी हमारे वोट का हकदार है। जी, बस यही संदेश है। मैं ये नहीं कहता मेरा वोट दो, लेकिन अंतःकरण से ये सोच लेना हमारे एरिया के लिए कौन आदमी कितनी भलाई कर सकता है, क्या कर सकता है। जी, ये एक सभी वोटरों से मेरा अनुरोध है, अंतःकरण से वोट देना, किसी को भी देना। मैं अच्छा लगूँ मुझे दे देना, और कोई अच्छा लगे मुझे दे देना, लेकिन अपने एरिया को, अपने समाज को देखते हुए, भलाई को देखते हुए अपने वोट की कीमत का उपयोग करें।